नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गोपाल लोहिया। आज हम जानकारी लेंगे विलो ये दवाई के बारे में, WILLOW विलो। शुरुआत करते एक केस के द्वारा। मेरे पास एक सोरियासिस का पेशेंट आया था। 5 साल से उसको ये तकलीफ थी और वो बोला कि मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया, लेकिन डॉक्टर साहब क्या बताएं, आपको बुरा लगेगा आपको अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन सब डॉक्टर लूटने बैठे हैं, या एक पैसे का फायदा नहीं हुआ मुझे, हर जगह लूट मचे डॉक्टर साहब। कोई जगह जाओ, मेडिकल में जाओ या डॉक्टर के पास जाओ, कोई छोड़ता नहीं है, सब लूट लेते हैं। ही वॉज ए टीचर इन स्कूल। तो मैं बोला ठीक है, आप स्कूल के बारे में बताओ। अरे डॉक्टर साहब, स्कूल का तो पूछो ही मत, तंग आ चुका हूँ मैं। आजकल के बच्चों से जो है ना, सुनते ही नहीं है, फिर मेरी चिड़चिड़ होती है। स्कूल में भी इतना गंदा पॉलिटिक्स होते रहता है, हम इतने पुराने हैं लेकिन हमारी कोई कीमत ही नहीं है। जूनियर लोगों को भर्ती कर लेते हैं और हमारे सिर पे बैठा देते हैं। मत पूछे डॉक्टर, बहुत खराब है स्कूल की हालत। ठीक है भाई, आपके घर पे कौन कौन है? कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब घर के लोगों का मुझे तो, उनका होना नहीं होना सब बराबर है, कोई नहीं सुनता मेरी, सब मेरे जान पे पड़े हुए हैं। बच्चे का मुंह हमेशा कुछ बोला तो टेढ़ा रहता है, बीवी बराबर से बात नहीं करती है, सब समय सब उल्टे जवाब देते हैं, घर के भी इसमें। ठीक है चलो, मतलब रहते हो कहाँ सर आप? वही गार्डन जो है बड़ा वाला, उसके पीछे रहता हूँ सर। डॉक्टर साहब इतनी सुंदर जगह है, लेकिन डॉक्टर साहब दिमाग को शांति नहीं है, दिन भर लोग परेशान करते रहते हैं। गार्डन जैसे उनके बाप का है, आएंगे उधर ही जोर जोर से बातें करेंगे, उधर ही खेलेंगे, और शाम को तो बच्चे लोग इतने परेशान कर देते हैं कि मत पूछो। अब ये पूरे केस में ये आदमी ने क्या किया होगा, सिर्फ दूसरों को दोष दिया है। ये कभी किसी से खुश नहीं है, खुद के प्रॉब्लम्स के लिए ये दूसरों को दोषी ठहरा रहा है, खुद की गलती कभी नहीं ढूंढते। तो विलो की ये तासीर है कि ये कड़वा हट इनके पूरे जहन में भरी हुई है। कभी भी किसी के बारे में बात करेंगे तो कड़वे शब्द यूज करके बात करते हैं, सभी से ये लोग नाराज रहते हैं, किसी से खुश नहीं रहते, सिर्फ दूसरों के इनको दोष दिखते हैं, खुद के अंदर कभी ये लोग झांक के नहीं देखते हैं। दिस इज द विलो। धीरे धीरे ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको जो तकलीफें रहती है मन की शरीर की, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते, उनके ही बारे में बात करते रहेंगे। आप कभी भी उनके पास जाएंगे ना, तो आपको कभी भी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, आप वहां से निकलोगे तो नेगेटिविटी लेके निकलोगे। इन लोगों का अगर किसी ने मदद की तो ये उसको कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ये तो मेरा हक है और उसने मदद की तो मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, ये उसका काम था मुझे मदद करना, तो कभी किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे। जब ये लोग बीमार पड़ते हैं तो घर वाले को इतना सताते हैं कि पानी गर्म अगर दिया तो बोलेंगे इतना गर्म क्यों दिया, और थोड़ा ठंडा दिया तो बोलेंगे इतना ठंडा क्यों दिया, लाओ इसको गर्म करके लेके आ जाओ, ये ऐसा ही चाहिए, वो वैसा ही चाहिए, तो इनको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। डॉक्टर के पास भी लोग जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद में, उनको थोड़ा ठीक लगता है,
लेकिन जब उनको पूछते हैं हम लोग कि भाई अभी कैसा लग रहा है आपको, तो बोलेंगे नहीं 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 डॉक्टर साहब कुछ ठीक नहीं है, सब बस वैसे ही वैसा है। तो ये कभी मानते ही नहीं है कि इनको ठीक भी है। सो ये जो कड़वाहट भरे लोग हैं, इनकी जिंदगी में मिठास लाने का काम करते हैं वीलो। होप यू अंडरस्टैंड।